तो दोस्तों, वैसे तो मैं यूपी से हूँ, पर फिलहाल मैं केरला के कोची में रहती हूँ और मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। तो इस बार मैं जा रही हूँ कोची से वायनाड। तो वायनाड के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए पहले हम जाएंगे कोईकोड, जो कि वायनाड का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। तो जर्नी छोटी ही थी, इसलिए मैंने सेकंड सिटिंग में बुक किया, पर गर्मी बहुत ज्यादा थी। ये जर्नी खराब होने वाली है, 4 घंटे कैसे निकलेंगे पता नहीं। तो मेरा ही नहीं, सभी का यही हाल था। और पंखे तो सारे चल रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा कि हवा कहाँ जा रही थी। तो छोटी सी पर गर्मी से भरी हुई लंबी जर्नी करके मैं पहुँच गई कोईकोड। तो स्टेशन से बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने खुद को हाइड्रेट किया। उसके बाद मैं पहुँच गई कोईकोड मेन बस स्टैंड, जहाँ से मैंने ली वायनाड के लिए डायरेक्ट बस। तो धीरे धीरे पहाड़ दिखने लगे और गर्मी थोड़ी सी कम हो गई, फिर मैं पहुंच गई वायनाड। तो बस से उतरते ही सबसे पहले मैंने लिया ऑटो और निकल गई अपने होटल, जो कि मैंने पहले से ही बुक कर लिया। मुझे बहुत तेज सर दर्द हो रहा है और भूख भी लगी, और होटल में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अब ज़ोमैटो करना पड़ेगा यहाँ आके भी। अभी तो मैं हाथ पैर धोने वाली हूँ और रेस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सफर इतना गंदा गया है ना, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाती। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आने के बाद बस हम सो गए थे। ऐसी धूप लगी थी ना, एकदम कड़क, कुछ मन नहीं कर रहा था यार, बहुत भयंकर गर्मी है। तो रात के 9 बजे मैं निकल गई खाने के लिए, और वापस आते वक्त मैं ये समझ गई थी कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो काम नहीं चलेगा। तो आने के बाद मैंने बुक करी एक रेंटल स्कूटी। तो अब हम करेंगे एडिटिंग और मिलते हैं कल सुबह। स्कूटी बुक हो चुकी है, बस अब कल घूमने के लिए जाना है कहीं मस्त मस्त जगह। तो तब तक के लिए गुड नाइट। तो सुबह सुबह मैं तैयार होके सबसे पहले निकल गई अपनी स्कूटी पिक करने। तो रेंटल स्कूटी लेके इतनी धूप में हम चल पड़े हैं, कहाँ जा रहे हैं तो अभी हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर सबसे पहले भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि एकदम खाली थी, एकदम खाली रेड। तो पेट्रोल की टंकी फुल कराकर हम निकल गए अपनी पहली लोकेशन बानसुरा डैम के लिए, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट अर्थ डैम। और सच बताऊं तो इतना सुंदर और बड़ा डैम मैंने आज तक नहीं देखा। तो यहाँ आपको बोटिंग भी करने को मिलेगी, जो मैंने तो नहीं की, पर आप कर सकते। तो मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ शुद्ध हवा हो, मैं अपने नेक्स्ट 1-2 महीने का ऑक्सीजन का कोटा पूरा कर लेती हूँ। तो पूरा दिन यहाँ बिताने के बाद ढलते सूरज के साथ अब वक्त हो गया था यहाँ से जाने का। हम चले वापस। तो अब हम हो चुके हैं तैयार और अब हम जाएंगे नए रूट पे, मतलब जैसे जिप लाइन हो गया और ग्लास वॉक हो गया, जो फेमस इंस्टाग्राम पे आपने देखा ही होंगे उसके रील्स। तो वहां भी जाने वाले हैं, वैसे वहां कुछ वैसा नहीं है, बस वॉक है, और जिप लाइन भी जाने वाले हैं। और देखते हैं कहाँ जाएंगे, नया रूट है, जो भी रास्ते मिलेगा वहां होते हुए जाएंगे और कुछ एडवेंचर भी करेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, लेट्स गो। तो धूप से बचने के लिए मैंने अपनी कॉटन की शर्ट पहनी और स्कूटी लेकर निकल गई अपनी आज की नई लोकेशन के लिए। यार रोड बहुत खराब है, और मैं तो बोलूंगी बाइक वाइक ले लो, स्कूटी मत लो, बहुत मुश्किल है। तो मैं पहुंच जाती हूँ सुचिपारा वाटरफॉल। तो यहाँ पे फूड आइटम बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो हमें दोनों, हमारे पास 2 पैकेट्स थे, एक चिप्स का और एक चॉकलेट का, वो हमने वहाँ पे काउंटर पे ही जमा करा दिया। अब हम जा रहे हैं वाटरफॉल की साइड, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है चेकिंग पॉइंट से। तो हमें यहाँ ट्रैकिंग, मतलब चल के जाना पड़ेगा, ट्रैकिंग बोल दो कुछ भी बोल दो, बट अब थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि यहाँ थोड़े पेड़ पौधे हैं, थोड़ा ठंडक है। तो बताया तो 1 किलोमीटर गया था, पर रास्ता है कि खत्म ही नहीं हो रहा था, खत्म ही नहीं हो। तो काफी दूर चलने के बाद मुझे वाटरफॉल दिखाई दिया और ये सच में बहुत ही सुंदर और साफ था। तो वाटरफॉल पे थोड़ी देर मजे करने के बाद मैं वहाँ से निकल गई। बहुत मुश्किल लग रहा है यार, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं जिप लाइन। हमारे साथ पता है क्या हो रहा है, मतलब ये लग रहा है कि पैसे तो बर्बाद कर ही दिए यहाँ आके, तो ऐसा लग रहा है सब कर ही लेते हैं यार, फिर क्या आने वाले हैं।
पर फिर तो नहीं आने वाले, ये तो कंफर्म है। तो अब थी जिप लाइन की बारी और अपने अस्त्र शस्त्र बांध के मैं पहुंच गई जिप लाइन के लिए। तो इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा डर अपने फोन के गिरने का लग रहा था। पहुंचने पर पता चला तो भैया ने हमसे 1200 रुपए मांगे और हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे 1200 रुपए नहीं देने हैं। मैं सोचू अगर कोई शेयरिंग में आ जाता है तो हम लोग 600 रुपए देके पूरा ऊपर तक जा सकते हैं और वहाँ भी 200 रुपए देने हैं, मतलब खर्चा ही खर्चा यार, लुट जाऊंगी। भगवान जी एक कपल भेज दो जो हमें ऊपर तक लेके जाए साथ में, हमारे पैसे बचा दे, मैं इतने पैसे नहीं देना चाहूँगी। तो काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली एक कपल आता है और हमारे आधे पैसे बच जाते हैं और हम सब निकल जाते हैं ग्लास वॉक के लिए, जहाँ जाने का रास्ता इतना खराब था कि सड़क में खड्डे नहीं, खड्डों में थोड़ी सी सड़क थी। तो भयानक ऑफ रोडिंग के बाद अब थी ग्लास वॉक की बारी। मुझे तो ऐसा लगा मेरे दिल की जगह किडनी और किडनी की जगह दिल चला गया। इतनी भयंकर ऑफ रोडिंग मैंने आज तक नहीं करी यार। मुझे तो क्या लगता है ये लोग जानबूझ के वो रोड नहीं बनवा रहे ताकि ऑफ रोडिंग के नाम पर पैसे ले सके, नहीं तो यहाँ तक नहीं आ जाएगी गाड़ी। फिर से ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। तो फिर से उन्हीं खतरनाक रास्तों को पार करके मैं वापस आई। अब पूरा अंधेरा हो चुका है, मैं भूतनी जैसी लग रही हूँ। अब पूरा अंधेरा हो चुका है, देखो चार यस थैंक यू बाय थैंक यू सब्सक्राइबर मिल गए इतने अंधेरे में भी। तो आज मैं मॉर्निंग में ही जगी और मैंने कहा आज तो हिल स्टेशन की फील लेके ही आते, तो मैं निकल आई और सच में थोड़ी थोड़ी ठंडी है और सुबह सुबह हिंदी गानों का फील लेते हुए मैंने पी गरम गरम चाय, जिसके बाद रूम पर वापस आके मैंने की एडिटिंग। तो वायनाड की जर्नी यहीं खत्म होती है और अब निकलते हैं बैंगलोर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।